और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस तरह से आपके सहयोग से और मीडिया के सहयोग से, चाहे लोगों के सहयोग से, हम इसके खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे और इसको अब्यूज़ को कम करने में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सर, इसमें पाकिस्तान का कितना रोल है, जिस तरह से तालिबान कदम बढ़ा रहा है? ज़्यादातर हीरोइन जो आ रही है बॉर्डर के पार से आ रही है, और जो भी ये 200 किलो ड्रग्स बरामद हुआ, इसमें कोई भी जो हीरोइन है ये लोकल प्रोड्यूस नहीं है, ये सब पाकिस्तान बॉर्डर से कहीं नहीं, चाहे वो उड़ी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे सांबा हो, इस तरफ से आई है। ऑफ लेट ये भी ऑब्जर्व किया गया कि ड्रोन के ज़रिए भी ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन हम इन सब जो ड्रग्स की सप्लाईज़ है इन पे पूरी नज़र रखे हुए, और कोशिश हमारी रहेगी कि इस तरह के जितने भी सप्लाईज हो इनको कर्व कर लिया जाए। सर, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो लगातार नापाक कोशिशें करता है, सिक्योरिटी किस तरह से है इस समय? सिक्योरिटी की पूरी इंतज़ाम कर ली गई है अमरनाथ यात्रा के पहले, हमें सफिशेंट मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं, और डिप्लॉयमेंट भी हो गई है, ड्राई रन भी हो गया है, और हमने अपने सारे SSPs के को कह दिया है कि ये अपनी तरफ से जो है 100% या जितनी भी कोशिश की जा सकती है वो करें, और अमरनाथ यात्रा को पीसफुल हम क्योंकि इस बार बड़ा चैलेंज क्या है अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार, और उसके लिए अवेयरनेस जनरेट कैसे करें? अवेयरनेस जहाँ तक की बात है, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे जो है सेबोटाज का है यहाँ पे, उसके लिए जो हमने एक सोशल मीडिया के ज़रिए हो, चाहे SSPs के ज़रिए हो, चाहे ऑन द स्पॉट ब्रीफिंग के ज़रिए हो, हमने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे SSP उधमपुर ने कल से मुहिम छेड़ी है, जो ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स जो स्टैंडर्ड पर होते हैं वहाँ पे हाईवे पे, उनको इकट्ठा करके उनको अवेयरनेस की जा रही है कि भाई ये इस किस्म के बॉम्ब होते हैं, इस किस्म की एहतियात बरतनी चाहिए, इस किस्म का ध्यान देना चाहिए, इस तरह की मुहिम छेड़ी है। सभी डिस्ट्रिक्ट SPs इसको मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे पूरी यकीन है कि ये यात्रा जो है पीसफुल। सर, किस तरह से एक आम आदमी जो है स्टिकी बम, क्योंकि बड़ा थ्रेट है,